नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट्स के चलते हम धीरे धीरे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करके ही महाभारत धारावाहिक के प्रत्येक कलाकार के जीवन के बारे में जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हस्तिनापुर के स्वार्थी राजा धृतराष्ट्र का किरदार निभाने वाले अभिनेता गिरिजा शंकर के बारे में। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अनुज पांडु ही क्यों विराजते, ये भाग्य ही है जो मेरी उंगली थाम कर मुझे उस सिंहासन से दूर ले गया जिस पर मेरा अधिकार था। पांडु मुझे अति प्रिय है गांधारी, परंतु मैं ये भूल ही नहीं पाता कि उसने मेरा राजमुकुट पहन रखा है। दोस्तों, वैसे तो गिरिजा शंकर जी ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने अभिनय की छाप छोड़ी है, लेकिन इनके द्वारा निभाए गए उन सभी किरदारों में से जो सबसे मकबूल किरदार हुआ वो है कौरवों के नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र का किरदार। एक कमजोर शासक और लाचार पिता, पुत्रों के मुंह में पड़ा एक ऐसा पिता जिसने बेटे की नाजायज चाहत के आगे राजधर्म को ताक पर रख दिया। कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी की आधारशिला की नींव रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इतिहास के पन्नों में महाभारत को सबसे बड़े युद्ध में दर्ज करवाने वाले और धृतराष्ट्र का किरदार छोटे पर्दे पर साकार करने वाले अभिनेता गिरिजा शंकर का जन्म 1960 को राजस्थान के शहर गंगानगर में हुआ था, और वहीं से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी। हुआ था राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर में। गिरिजा शंकर जी की बचपन से ही भारतीय संस्कृति और कला की तरफ काफी दिलचस्पी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये भविष्य में अपने करियर के तौर पर एयरफोर्स यानी कि एनडीए ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उस समय इनकी उम्र ज्यादा होने के चलते ये एनडीए में प्रवेश ना पा सके। इसके बाद इन्होंने पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती होने के लिए आ गए, लेकिन अफसोस की बात विश्व के इस अभिनय क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में भर्ती ना हो सके। उसके बाद ये पटियाला जाकर एक अभिनय संस्थान में अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। इसी बीच इनकी मुलाकात हरपाल टिवाना से हुई, जिन्होंने इनके अंदर की कला को पहचान के इन्हें अभिनय के क्षेत्र में ही आगे बढ़ाना उचित समझा। हरपाल टिवाना के साथ गिरिजा शंकर ने तकरीबन 5 सालों तक रंगमंच का गहन अध्ययन व प्रशिक्षण लिया, और उसके बाद ये मुंबई चले गए। मुंबई जाकर इन्होंने थिएटर का दामन नहीं छोड़ा और पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बन गए, जहां इनकी मुलाकात बड़ी हस्तियों से हुई जिनमें आलोक नाथ, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह और राज बब्बर शामिल हैं। इन कलाकारों के साथ थिएटर करके अपने अभिनय को इन्होंने और तराशा। उसके बाद इन्हें टीवी इंडस्ट्री में रमेश सिप्पी के निर्देशन में बने टीवी सीरियल बुनियाद में काम करने का पहला सफल मौका मिला, और अपने पहले ही किरदार से गिरिजा शंकर चर्चित होने लगे। पूछने की कोई बात ही नहीं है। लोग तो कहते हैं जादूगरनी है वो खसमानुखानी लाजवंती। ऐसा जादू डाला हवेली पर कि ये बाऊजी के बुलाने के बाद भी 4 घंटे और पड़ा रहा उसकी बाहों में। जो मन में आए वही नहीं कह दिया जाता है प्राजी, और जो तेरे मन में आए वो तू कर जरूर सकता है। इस टीवी सीरियल की कहानी भारत और पाकिस्तान विभाजन पर, पाकिस्तान से भारत आए लोगों पर आधारित थी। इस टीवी सीरियल में काम करने के बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एक कलाकार के तौर पर पहचान बना ली थी। इसके बाद साल 1988 में महाभारत टीवी सीरियल में हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र का किरदार निभाने का मौका मिला। इस किरदार ने इन्हें चारों तरफ चर्चाओं में ला दिया। दरअसल धृतराष्ट्र का किरदार चोपड़ा साहब ने इनके चर्चित टीवी सीरियल बुनियाद में इनके काम को देखकर दिया था, लेकिन गिरिजा शंकर इस किरदार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इनका कहना था एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार मैं कैसे करूंगा। और फिर इन्होंने कहा आप मुझे युधिष्ठिर, अर्जुन या दुर्योधन का किरदार दे दें तो मैं उसे अच्छे ढंग से कर पाऊंगा, और मुझे नहीं लगता है कि धृतराष्ट्र का किरदार मैं कर पाऊंगा। इस बात पर चोपड़ा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, ये किरदार तो आप ही करेंगे। और फिर इस किरदार में गिरिजा शंकर जी कुछ ऐसे ढले कि आज तक हम सभी के दिलों में कायम हैं। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया अनुज। बिल्कुल अकेला हो गया। मुझे तुम्हारे वाक्य कड़वे लगते थे किंतु तुम्हारे होने का अनुभव करवाते थे। इसके बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया जिनमें हनीमून, शिवा, जुर्म, भ्रष्टाचार, प्रतिज्ञा, मौत की सजा, तुमसे अच्छा कौन है, ख्वाब जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदारों में काम करते रहे। हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया जिनमें नसीबो, मेला, वागी, आपन फिर मिलेंगे,
जैसी पंजाबी फिल्मों में नजर आए। दोस्तों क्या आप जानते हैं इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में तो काम किया ही, इसके साथ ही कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आए जिनमें डिवाइन लवर और नाइट ऑफ फेना शामिल हैं। गिरिजा शंकर जी आज भी अपनी एक्टिंग को लेकर सक्रिय हैं और हिंदी के साथ साथ पंजाबी व अंग्रेजी फिल्में कर रहे हैं और इसके साथ ही कभी कभी टीवी सीरियल्स में भी नजर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र का किरदार निभाने वाले अभिनेता गिरिजा शंकर के जीवन की कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करें। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बनें। धन्यवाद।